नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, शहीदाने करबला की याद में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला आपसी सौहार्द का प्रतीक मुहर्रम का पर्व शनिवार की रात संपन्न हो गया। मुहर्रम का पर्व यूं तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में मनाए जाने वाले इस मुहर्रम के पर्व को पूरे देश में आपसी सौहार्द का प्रतीक कहा जाता है। इस त्योहार को आपसी सौहार्द का प्रतीक क्यों माना जाता है, इस त्योहार की विशेषताएं क्या हैं और इस त्योहार में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, आज हम आपको ये सारी चीजें बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस त्योहार के पीछे की तारीख और इतिहास क्या है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का ये मुहर्रम का पर्व आपसी सौहार्द का प्रतीक क्यों है। हुजूर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना इमरान रजा कदीरी है। मुहर्रम मंसूब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना का मदीना छोड़ के करबला आए और 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए, और करबला पहुंच के उन्होंने पैगाम देना चाहा कि खुद भी जियो और लोगों को जीने दो और लोगों के ऊपर जुल्म न करो। ये आवाज़ उस दौर के कातिल शासक यजीद को बुरी लगी और उसने तकरीबन 9 लाख का लश्कर इमाम हुसैन के मुकाबले में भेज दिया, और उसके नतीजे में इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत हुई। चाहता कि उनके 6 महीने के बच्चे हजरत अली असगर को भी नहीं छोड़ा गया, और उनको भी सिर्फ 2 घोंट पानी मांगने की वजह से 3 भाल का तीर मार के बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ये चाहते थे कि दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो और आतंक दुनिया में कहीं पर न रह जाए। इसके खिलाफ मोहम्मद साहब के छोटे नवासे की जो उनका यह एहतजाज था, इसलिए कि हमारे मोहम्मद साहब की तालीम यही है कि दुनिया में खुशहाली से खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो। उसी सिलसिले में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज 10 तारीख को अपने अइज्जा और अकरबा समेत शहीद कर दिए गए, तो 1400 साल से शहादत इमाम हुसैन के बाद से आज तक मुहर्रम का सिलसिला जारी है। कुल मिला के मुहर्रम का मैसेज और मुहर्रम का पैगाम यह है कि मुहर्रम के जरिए हम पूरी कायनात में हम ये आम करना चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और कयामत तक रहेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला यह है कि आपने जुल्म के खिलाफ वो आवाज बुलंद की कि आज सारी कौम मिल्लत आपका एहतराम करती है। महात्मा गांधी ने हजरत इमाम हुसैन के बारे में कहा था कि अगर हमारे पास 72 आदमी मिल जाते तो न जाने मैं हिंदुस्तान को कब आजाद कर देता। अंग्रेज राइटर ने कहा कि जियो तो अली की तरह, मरो तो हुसैन की तरह। गुरु नानक ने कहा कि वो जमीर जो तुम्हें अच्छाई की तरफ ले जाता है, उसी जमीर का नाम हुसैन है। साईं बाबा ने कहा कि याद रखना, अगर दुनिया को पता चल जाए कि कुर्बानी हुसैन का मकसद क्या है, तो सारी दुनिया हुसैन हुसैन करने लगे। भगवान शंकर जब जमीन घूमने के लिए निकले, भ्रमण करने के लिए निकले, करबला की जमीन पर पहुंचे तो बैठ कर रोने लगे, तो उनकी बीवी, उनकी जौजा पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, इसी सरजमीन पर इस्लाम के आखिरी नबी मोहम्मद, उन्होंने नाम लिया, कहा मोहम्मद के नवासे की इसी जमीन पर शहादत होगी और बड़ी आलमनाक शहादत होगी। तो मुहर्रम सारी दुनिया के लिए है, लिहाजा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस गम को मनाते हैं और इसमें शामिल होते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कश्यप। कश्यप जी, ये बाबा किन के नाम से और कितने वर्षों से चल रहा है? ये तैयार बल अच्छे के नाम से था, है तो 1956 से जो है ये चल रहा है। आपके कितने परिवार में कितनी नस्लों की कार्यक्रम चलाया जा रहा है? उनके बाद तैयार लक्ष्य बाद हुआ कल्लू पहलवान, गंगा दीन और भी जो थे सब उन्हीं चला आ रहा है। फिर उसका जब भावराम ने जो कमाल संभाली है, तब से हम लोग जो है ये सब। आप कितने साल से इसको चला रहे हैं? हम चला रहे हैं सन 80 से। 80 से हम साथ में जो है साथ में रह रहे थे, काम करते रहते हैं, सब सेवा करते रहते हैं। आपके मामले में कितनी ढाल सवारियां हैं और इसमें कौन कौन समाज के लोग शामिल हैं? हमारे यहाँ सभी समाज के शामिल हैं। सवारी हमारे यहाँ 8 है, नाल मेजा है 3। क्या नाम है आपका? पप्पू अहमद। क्या है आप? करबला बेट। आज यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और ये जगह कौन सी है? ये शहीद करबला है। यहाँ क्या हो रहा है यार? आप दसवीं है मौसम की, घर पे जितनी भी ढाल सवारी है यहाँ आगे ठंडी होती है, समाप्त होती है आपसे। क्या नाम है आपका? आकांक्षा वर्मा।
आप यहाँ पर इस कर्बला में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ की कमेटी सदस्य हूँ। क्या काम करती है आपको यहाँ पर? यहाँ पे महिलाओं को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हम उनको देखते हैं। और कोई भी कब से आप यहाँ से जुड़ी हैं? हम यहाँ से 4 साल से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शोएब नियाजी, शहर मुहर्रम कमेटी बांदा। शोएब जी, 10 दिनों का चलने वाला मुहर्रम आज संपन्न हो रहा है, ये त्योहार किनकी याद में मनाया जाता है और क्या कुछ होता है? ये त्योहार दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, जो कि 10 दिन चलता है। बांदा में पहली मुहर्रम को ताजिया उठता है, दूसरी मुहर्रम को रात में ताजिया उठता है, तीसरी मुहर्रम को रात में ताजिया उठता है, 5 तारीख को सारे इमाम बाड़े 102 इमाम बाड़ों से ढाल सवारी और नेजों का जुलूस निकलता है, जो मातमी धुन के साथ सादगी के साथ अपने अपने इमाम बाड़े में रखा जाता है। फिर 6 तारीख को सुबह ताजिया का मिलाफ होता है, 7 तारीख को सुबह ताजियों का मिलाफ होता है और शाम में दिन से आलम का जुलूस, मातमी जुलूस शिया समुदाय का, जिसमें हमारे शहर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्य में पूरा हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ बिल्कुल इस त्योहार को मनाता चला आ रहा है। और फिर 8 तारीख आती है जो मेहंदी का जुलूस होता है, फिर 9 तारीख जो कि एक इम्पोर्टेंट रात आती है कि बांदा के लिए, कि जो जिसको देखने के लिए पूरे शहर में नहीं खाली हिंदुस्तान के पूरे कोने कोने से लोग जो यहाँ से बाहर भी जा चुके हैं वो बांदा में वापस आते हैं और उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बांदा में वापस आते हैं। एक अलाव होता है हमारे बांदा में जिसमें गड्ढा किया जाता है और उसमें 8 क्विंटल 10 क्विंटल लकड़ी डाली जाती है, उसको अंगारे के जलाया जाता है, वो अंगारे बनते हैं, फिर उसको हाथों से उछाला जाता है। ये इमाम अली मकाम की याद में इस तरह हमारे अकीदतमंद जो ढाल सवारी उठाने वाले हैं वो इस पर अलाव को खेलते हैं। और आज जो कि 10 तारीख है मुहर्रम की, आज यहाँ पे इसका हम समापन के लिए आए हुए हैंगे और सारे 157 इमाम बारगाहों से ताजिया, अलम, ढाल सवारी, जितने भी जुलूस हैं वो सब करबला में आए हुए हैं, नदी में आए हुए हैं। करबला में ढाल सवारी ठंडी की जाती है और जो भी ताजिया शरीफ है हमारे यहाँ के वो सुपुर्द खाक किए जाते हैं। अपने जिला प्रशासन और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें भरपूर योगदान दिया, जितना उनसे बन सकता था उसमें हमको पूरा सपोर्ट। मुहर्रम की 10वीं तारीख मनाई गई है, पूरे शहर में मेले जैसा माहौल, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही? देखिए, आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और बड़े पैमाने पे जो ताजिए हैं और जुलूस हैं, ढाल सवारियां हैं, वो तो पूरे जनपद के अलग अलग हिस्सों में निकल रही हैं और सकुशल निकल रही हैं। काफ़ी भारी संख्या में क्राउड जो है वो सड़क पर रहा है, इस वजह से हम लोगों ने पूरे जनपद में पहले से ही हम लोगों ने सेक्टर और जोन बाट की ड्यूटियों को लगाया था, ट्रैफिक की ड्यूटियों को, 112 की गाड़ियों को बड़े ही सोच समझ के हम लोगों ने लगाया था, जिसकी वजह से कहीं किसी प्रकार की कोई ट्रैफिक में अवरोध नहीं हुआ और पूरी तरीके से सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से ये त्यौहार मनाया। इस मामले में बांदा बड़ा ही एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है साम्प्रदायिक सौहार्द का। यहाँ पर जो सबसे बड़ा ताजिया है, इमाम बाड़ा है, वो रामा जी का है और वो हिंदू मुस्लिम एकता को का प्रतीक है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों लोग बढ़ चढ़ के सभी जुलूसों में हिस्सा लेते हैं और कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि इसका मैनेजर कौन है व्यक्ति और कौन इसमें चीज़ों को अरेंज कर रहा है, कौन बात कर रहा है हम लोगों से। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है और इसको देख कर मुझे लगता है कि बाकी जनपदों को भी इस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि किस प्रकार की जो साम्प्रदायिक सौहार्द बांदा में, और इसके लिए मैं बांदावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।